करेला फिश करी। करेला एक ऐसा सब्जी है जो हम लोग सबको खाना चाहिए, ये ब्लड प्यूरीफाई करता है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर करेला, जो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कच्चा और पक्का करेला दोनों टाइप के लिया हुआ है। करेला को अच्छी तरह से बारीक बारीक करके मैंने काट लिया है। आप चाहे तो करेला का अंदर का जो बीज है ना उसको निकाल के फेंक सकते हैं। तो साथ ही मैंने ले लिया कुछ आलू, जो आलू की भुजिया की तरह पतला करके काटा है, और प्याज बारीक से काट लिया है। यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर फिश, मैंने रोहू फिश ही लिया है। फिश को नमक और हल्दी लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। कढ़ाई पर तेल चढ़ा दिया, तेल जैसे गर्म हो जाता है ये जो फिश मैंने छोड़ रखा है वो फिश को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। फिश का एक साइड जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाता है उसको पलट देते हैं ताकि दूसरा साइड भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए हम लोग का फिश हो चुका है, तो फिश को निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में अभी डाल देते हैं दो तेज पत्ता बीच में से तोड़ के, साथ ही डालते हैं काला जीरा। काला जीरा जैसे ही थोड़ा सा चटकने लगे डालते हैं प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के दो लिया हुआ है, अगर बड़े साइज़ का लेते हैं तो 1.5 लीजिएगा। साथ ही डाल देते हैं आलू जो मैंने पतला करके काट रखा है। तो अभी आलू और प्याज दोनों को अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। जैसे ये जो प्याज है थोड़ा सा गुलाबी हो जाता है उसी में हम डाल देंगे करेला, जो करेला हमने पहले से काट के धो के पानी झड़ने के लिए रखा हुआ है। हाँ, पानी से ना झड़ा के ही दीजिएगा, नहीं तो वो पानी अगर यहाँ पर ऐड हो जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी सारे चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे, मतलब करेला आलू और प्याज सभी को एक साथ अभी फ्राई करेंगे। यहाँ पर फ्राई करने का टाइम होगा 2 से 3 मिनट का। फ्लेम मीडियम टू हाई रखिएगा, ज़्यादा पूरा हाई ना कीजिएगा। अब इसको चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेंगे, ताकि क्या होगा ना ये जो करेला है, करेला जितना फ्राई करते जाएंगे उसका जो करवाहट है ना वो थोड़ा सा कम होता जाएगा और प्याज का मिठास भी करेले के अंदर आता रहेगा। चलिए अभी डालते थे कुछ सूखे मसाले। मैंने डाला यहाँ पर हल्दी पाउडर और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर डाला है लाल मिर्च का पाउडर। तो तीखा आपको जितना खाना है उसके हिसाब से ही डालिएगा तीखापन। अभी यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और साथ ही में डालते हैं थोड़ा सा भुना हुआ धनिया पाउडर। चलिए अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करते हैं और इसी को मिक्स करते हुए ही हम लोग को फ्राई करना है। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे फ्राई भी होता जाएगा, साथ ही में मसाला जो है वो भी फ्राई होता जाएगा। अभी डालते हैं स्वाद अनुसार नमक और नमक डालने के बाद फिर से इसको अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा और फ्राई भी कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डालते हैं ना लहसुन। लहसुन मैंने 4 से 5 डाला है, वो मैंने दरदरा सा कूट लिया है। तो लहसुन देने से ना इस करेला का सब्जी जो है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब लहसुन के साथ इसको भी और भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन है वो थोड़ा सा ना पक जाए। जैसे लहसुन थोड़ा सा फ्राई होने लगेगा उससे अच्छा एक्स्ट्रा खुशबू भी आने लगेगा। तो चलिए अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्राई हम लोग का ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी 4 से 5 मिनट हो चुका है हम लोग का फ्राइंग। अभी यहाँ पर हम लोग डाल देंगे पानी। पानी मतलब ये पानी जो है ये ग्रेवी का पानी होगा, मतलब जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी डालिए। पानी थोड़ा सा गुनगुना ही दीजिएगा ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। जैसे कि देख पा रहे हैं बॉयल हम लोग का आ चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो इसी में ऐड कर देते हैं फ़िश जो पहले से फ्राई करके रखे थे। फ़िश को ना ग्रेवी में डुबा देना है ताकि फ़िश का जो फ्लेवर है ये करेला के सब्जी में आ जाए। तो आज का रेसिपी है तैयार, इसे आप एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म स्टीम राइस से। ये काफ़ी अच्छा लगता है, जिन लोगों को रोटी से पसंद तो वो रोटी से भी खा सकते हैं। अंत में चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल ही सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग का ग्रेवी तो मतलब करेला का सब्जी तो अभी रेडी है। तो आज का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और नए फ्रेंड्स जो मेरे चैनल में आज पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया और सिंपल सा रेसिपी लेके। और मैं फ़िलहाल इसे इंजॉय करती हूँ गर्मा गर्म स्टीम राइस से। और आप लोगों को ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहाँ से मेरे चैनल को देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिएगा। और सिर्फ आप लोग इतना प्यार जो दिखाते हैं, इतना लाइक देते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। बस वही एक चीज़ है,
अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के ऊपर हम लोगों का ये जो रेसिपी है ये डिपेंड करता है। आप लोग इतना लाइक देते हैं तभी हम लोग और भी मोटिवेटेड हो जाते हैं कि नया नया वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आए। तो एक लाइक एटलीस्ट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नया और सिंपल रेसिपी लेके। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।